ऑस्पिट्रास फार्म के बराबर में ट्रेन भी पटरी है, और अब ले जाके इनको जंगल में छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में समझा दें। अब मेरी नज़र इस पर ही है, ये है रसल भाई पर, जो भारत के जहरीले सांपों में से इसकी एक गिनती होती है। साथ भाई ने देखा है कि दो अजगर के बच्चे एक जगह ट्रांसफार्म में हैं, और ये ट्रेन की पटरी है। इस ट्रेन की पटरी के पास में इनका खेत है, उसमें ट्रांसफार्म है, ईख का खेत है। जाकर के देखते हैं अजगर के बच्चे हैं कौन से हैं। तो भाई कितने दिन से देखे आपने? मैंने भाई लगभग 10-12 दिन से देख रहा हूँ इनको। पापा जी ने भी बोला था कि ऐसे सांप पर वहाँ पर मत जाना। अच्छा, फोन बंद कर लें आप। तो भाई 10-12 दिन से देख रहे हैं भाई, और जा करके देखते हैं सांप हैं कौन से, क्योंकि अजगर के बच्चा सबसे ज़्यादा जाड़ों में निकलते हैं, अजगर सांप, अजगर के बच्चे। भाई ने बताया कि अजगर सांप के बच्चे हैं दो, और 8-10 दिन से वहीं पर रहते हैं। आज मैं स्टिक भी नहीं लाया हूँ अपनी। ओ भाई, ये तो मुझे रसल भाई पर लग रहा है। रसल भाई पर और अजगर, ये दो ही सांप हैं जो जाड़ों में सबसे ज़्यादा निकलते हैं ठंडी के महीने में, 3-4 महीना। ओ माय गॉड, कितने जहरीले सांप हैं ये भाई। इधर आ जाओ। तो भाई ये रसल भाई पर हैं, तो आप इनके बारे में जानते हो? नहीं, ये अजगर के बच्चे नहीं हैं, ये रसल भाई पर हैं। और मैं हैरान हूँ कि मेरे क्षेत्र में और रसल भाई पर सांप। तो ये ट्रांसफार्म है, आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, इसका मुंह उस साइड है, ये चैन राउंड है ये। ओ माय गॉड, आपने कितने दिन से देखी? लगभग 10-12 दिन से देखे। 10-12 दिन से आप देख रहे हैं, ये चैन राउंड है इस पे। जी, ये अजगर का बच्चा लगता है लेकिन ये अजगर होते नहीं। और डरो मत आप, डरो मत आप, ये अजगर का बच्चा लगता है लेकिन ये अजगर का बच्चा नहीं है, ये रसल भाई पर स्नेक। और दोस्तों ये दो रसल भाई पर स्नेक, भाई अजगर का बच्चा समझने के चक्कर में इंसान इन्हें पकड़ लेता है, और जब ये काट लेता है तो वो जगह सूजने सड़ने लगती है, यानी हेमोटॉक्सिक जहर होता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं आप? डॉक्टरी। डॉक्टरी करते हैं जी। हेमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक में अंतर बता देंगे? नहीं पता? नहीं पता, क्योंकि नहीं पता है आजकल के इंसानों को, नहीं पता। हेमोटॉक्सिक होता है लीवर और किडनी पे कब्जा करने वाला, और न्यूरोटॉक्सिक होता है दिमाग ब्रेन पे कब्जा करने वाला, क्योंकि वो सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। तो इसे लोग अजगर का बच्चा समझ लेते हैं, और ये बहुत खतरनाक सांप है। तो दोस्तों पहले दूसरा भी उतारेंगे, और डबल है क्या? मणि का निकलेगी? मणि? मणि नहीं होती भाई, आप सोच रहे हैं कि मणि, मणि नहीं होती इसमें सांप में, किसी सांप में मणि नहीं होती। ठीक है, और ये मणि वाले सांप सिर्फ कोबरा माने जाते हैं, लेकिन मणि होती नहीं। तो आज मेरे पास स्टिक नहीं है, और रसल वाइपर को पकड़ना ऐसे समझे कि मौत को दावत देना है ज्यादातर नए इंसान को। और देखना है दोस्तों, शायद इसके अंदर ना हो, ये भी देखना पड़ेगा। एक ये है, एक ये है। और दोस्तों ये कुकर की तरह सीटी मारता है, ये देख रहे हैं आप। ये पुराना ट्रांसफार्म है, और ये ईख का इनका खेत है। यहाँ पे जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा है। पहले देख लें, और सोचा था मैंने कि मेरे क्षेत्र में रसल भाई पर नहीं है, तो रसल भाई पर इधर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस महीने में मुझे 3 तीसरे रसल भाई पर है ये जो मिल गया है। और दोस्तों ये सांप धूप सेकने के लिए सुबह सुबह कुंडली मारकर एक जगह बैठ जाता है, आप देख रहे हैं दोस्तों दोनों सांप किस तरीके से धूप सेकने के लिए ऊपर चढ़ गए, और कितना खतरनाक मंजर, आप देख रहे हैं दोस्तों कितना खतरनाक नजारा है। और ये ट्रांसफार्म के ऊपर, और भाई ने सोचा कि अजगर के बच्चे होंगे, लेकिन ये अजगर के बच्चे नहीं है, ये रसल भाई पर स्नेक है। तो इसके बारे में समझा दें। अब मेरी नजर इस पे ही है, ये है रसल भाई पर, जो भारत के जहरीले सांपों में से इसकी एक गिनती होती है। 7 सांप जहरीले हैं। किंग कोबरा सबसे पहले नंबर पे आता है, लेकिन उसका नंबर 7वें नंबर पे नीचे क्यों आता है? क्योंकि उससे मौतें कम होती हैं, 4 से 5 लोगों की मौत होती है भारत देश में, और सबसे ज्यादा कॉमन करैत सबसे पहले नंबर पे आता है, इंडियन कॉमन करैत, जिससे कि 20,000 से 30,000 लोगों की भी मौत होती है।
और पीएम कराने के, पोस्टमार्टम कराने के, पुलिस केस के मसले में उससे 20,000 लोगों की गिनती मानी जाती है, लेकिन 50,000 भी लोग मर जाते हैं उससे एक साल में। दूसरे नंबर पे रसल वाइपर, फिर तीसरे पे स्पेक्टिकल कोबरा, रिटेल स्नेक, सौ स्किल्ड वाइपर और ये बैंडेड करैत, ये सांप जहरीले हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन दोस्तों इसको मैंने आपसे पहले बताया कि इसको इस रसल वाइपर को अजगर का बच्चा समझने की कोई भूल ना करें। अगर ये सोच लिया कि ये रसल वाइपर अजगर का बच्चा है तो आपको धोखा हो जाएगा, कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। तो इनको उतार लेते हैं और मैं भी उतर जाऊंगा। दोस्तों वो मांस छुट के गिरता है और ये बिजली के तार तार के काटता है। मैं अपने मोबाइल में शॉर्ट क्लिप लगा दूंगा, साइड में स्क्रीन पे देख लेना आप। ये छलांग मार के काटता है रसल भाई पर, और जब मारता है तो ये 12 मिलीग्राम करीब जहर छोड़ देता है, 16 मिलीग्राम जहर छोड़ देता है, जिससे कि वो जगह सूजने लगती है, सड़ने लगती है। तो इनको उतारते हैं और वीडियो को इतना शेयर करना इसको, क्योंकि आगे लोगों को जानकारी पहुंचे। और आप, मैं कैसे उतरूं, आज मेरे पास स्टिक नहीं है। ओहो माय गॉड, और ये रसल भाई पर कब कितने खाए पिए परिवार से लग रहा है, बहुत शिक्षित परिवार से है ये, बहुत मोटा खाया पिया। और हम लोग इतना वजन, बहुत वजन है इसमें। दोस्तों हमने झारखंड में पकड़े थे रसल भाई पर और सोचा था कि हमारे क्षेत्र में मिलेंगे या नहीं। तो आपने कितने दिन से देखे? लगभग 10-12 दिन से देख रहा हूँ इनको। ये भाई 10-12 दिन से देख रहे हैं और इन्होंने, ये मारते नहीं सबसे ज्यादा, मेरी वीडियो जिस दिन से देखते हैं मारते नहीं। इन्होंने सोचा चले जाएंगे, लेकिन अजगर का बच्चा समझा इनको और फिर मुझसे कॉल की। मैं कहीं रिश्तेदारी में जा रहा था तो मैंने उधर नहीं जाना सही नहीं समझा, मैंने दो अजगर के बच्चे हैं, कम है अजगर हमारी तरफ, लेकिन मैं उनको जाकर पकड़ लूंगा। और यहाँ आकर देखा तो अजगर नहीं रसल वाइपर है, सुरक्षित और इतनी दूर छोड़ करके आएंगे कि लोग सोच ना सकें, समझ ना सकें कि ये वापस, ये भी नहीं सोच सकते कि इंसानों की दुनिया में मुझे जाना होगा, इतनी दूर छोड़ेंगे। हम इनको गंगा ब्रज घाट उधर छोड़ने हैं हमें, ठीक है दोस्तों, गंगा की साइड, क्योंकि इंसानों का सामना इनसे ना पड़े। आप देख रहे हैं दोस्तों और ट्रांसफार्म के बराबर में ट्रेन की पटरी है। और ये सांप और सांपों की तरह अंडे नहीं देता है, ये सांप डायरेक्ट बच्चे देता है। और एक बार में अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, एक बार में 40 बच्चा, 50 यानी 100 बच्चे, 105 बच्चे तलक एक बार में देता है, जैसा साइज वैसे बच्चे। दोस्तों ये सांप अपने क्षेत्र में होते नहीं थे, ये सांप बाढ़ के कारण और पानी के कारण अलग अलग क्षेत्र में आ गए, जिसके कारण इसकी पैदावार हर राज्य में ज़्यादातर होने लगी। जिस तरह नदी में पानी बाहर से छूटता है ना पहाड़ियों पे से, तो इस तरीके से बाहर से ही आ जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र से। तो ये मेरी गाड़ी में थैला हमेशा रहते हैं 2-3, अब भी 2 थैले और रखे हुए हैं, और आज स्टिक नहीं है मेरे पास, जिससे कि मैं, ये चला गया इसके। और दोस्तों ये इसके अंदर चले गए, डब्बे में कभी भी रसल वाइपर को पैक ना करें। मैं अपनी वीडियो का क्लिप लगा दूंगा साइट में, देख लेना डब्बे में पैक करते हुए एक इंसान को किस तरीके से रसल वाइपर। इस लड़के ने जैसे ही डब्बे में पैक किया और इसने तुरंत अटैक कर दिया और इस लड़के की मौत हो गई। बहुत कोशिश हुई बचाने की लेकिन ये बच नहीं पाया, एकदम बहुत मुश्किलों में देखने मिलते हैं रसल वाइपर। रसल वाइपर सांप बहुत मोस्ट वेनमस है, बहुत जहरीला है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। कमेंट कर दें वीडियो कैसी लगी और इनको बचाया या नहीं, इन बेजुबानों को ये भी बता दें। तो भाई मैंने तो सोचा है कि इनके साथ कोई हादसा ना हो भाई के साथ में, तो ये ट्रांसफार्म रखा हुआ है और ये जैसे अजगर का बच्चा समझ के, शायद आप तो पूंछ भी पकड़ लेते अजगर का बच्चा, डर लगता था बहुत, सीटी मारते थे एकदम।
ये सीटी मारते थे भाई, कह रहे हैं सीटी मारते थे, डर लगता था। तो समझा तो अजगर, क्योंकि रसल वाइपर इधर जाते देखे नहीं, मैंने भी नहीं देखे। ये 2 साल से रेस्क्यू कर रहा हूँ, तीसरा रसल वाइपर मुझे मिला है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।